सा बोला विना का एंड नमस्ते। टीएलटीबी इस बात को स्वीकार करता है कि टीएलटीबी के साथ लीज संबंधों के बारे में जानकारी देना महत्वपूर्ण है। सभी ईतों के लीजेस समान है, जो कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। प्रतिवर्ष फेज जेन और फेज जुलाई तक किराया या रेंट देना, भूमि का उपयोग राइट्स के अनुसार करना या फिर लैंड लीज के मुताबिक ही यूज करना, निर्धारित अवधि के लिए राइट्स के विशेष संपत्ति मतलब लीज जमीन स्पेसिफाइड टाइम के लिए है। टीएलटीबी की संपत्ति के साथ सुधार का निर्माण करना, पट्टे की अंतिकृत टीएलटीबी की सहमति के साथ उपपत करना, लीज ट्रांसफर टाइम के मुताबिक करना और टीएलटीबी से इसका कंसेंट जरूर लेना। टीएलटीबी की सहमति के साथ लीज का गिरवी रखना, गिरवी रखने पर गिरवीदार की सहमति के साथ पट्टे को समाप्त करना। लीज अवधि के भीतर यदि मोगजी की सहमति हो तभी लीज के सरेंडर करें। कानूनी और स्वीकृत सुधारों पर मुआवजा प्राप्त करना, मियादी कारण मध्यस्थ अदालतों में प्रतिकार प्राप्त करें। लीज होल्ड प्रॉपर्टी को अच्छे स्थिति में रखना, अपने पद में कराए करने के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर रखना, सभी कानून और नियम का पालन करना। टीएलटीबी के कंसेंट लेने के बाद ही बेचने वाले पेड़ या मेचेंबर ट्रीज को हटाना। टीएलटीबी से अप्रूवल लेना जरूरी है अगर आप एर्थ मटेरियल्स कमर्शियल पेपर्स के लिए हटाना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है लीज रिन्यूअल की मांग करें। लैंडलॉर्ड को जानकारी देना जरूरी है अगर आप अपना कॉन्टेक्ट और एड्रेस डिटेल्स बदलते हैं, या इम्पोर्टेंट है कि टेनेंट्स अपने लीज को नियम और कंडीशंस जाने और इग्नोर नहीं करें। टीएलटीबी को कांटेक्ट करें अगर आप असिस्टेंस चाहते हैं। धन्यवाद एंड विना का बगल में।